नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा 2018 के प्रश्न हैं और इसकी परीक्षा हुई थी 13/1/2020 को। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय कला के मूल तत्व सष्टांग 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। 4 विकल्प दिया गया है, तो भारतीय कला के मूल तत्व जो सष्टांग हैं उसके 6 अंग कौन से हैं, उसका सही क्रम चुनना है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सदृश और वर्णिका भंग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु को के प्रयोग को खाली स्थान के रूप में स्वीकारा जाता है, तो किस रूप में स्वीकारा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रेखा के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पोत। अगला प्रश्न देखते हैं, ताज़ा चूने के पलस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वो तकनीक कहलाती है फ्रेस्को तकनीक। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, मुलायम कठोर चिकना रूखा अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं। मुलायम कठोर चिकना रूखा या अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पोत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधी घुमावदार जिग जैग विकर्ण क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकार किया जाता है। तो काले व सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है। आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उपयोगी कला। अगला प्रश्न है, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ पर स्थित है। तो गढ़ी कलाकार परिसर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फिक्सेटिव। अगला देखते हैं, वह धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज़ रखकर दबाते हुए छाप लेना किससे संबंधित है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कोलियोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, लीनो कट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ड्राइंग कार्विंग इंकिंग और प्रिंटिंग।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया किस में प्रयुक्त की जाती है? तो स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है प्रिंट मेकिंग में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? तो कला शब्द का सबसे पहला यथार्थवादी प्रयोग किया है नाट्यशास्त्र में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं कहाँ पे? लखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मनोल्लास, मनसोल्लास। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ मनसोल्लास है। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णुत्तर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र जो है वो 9 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता है पाणिनि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मना स्थित की प्रतीक है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कर्णवत रेखाएं जो हैं वो व्याकुल मना स्थिति की प्रतीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोलाज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाते थे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो शिकार के दृश्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोटा शैली में सबसे अधिक चित्रित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अंतराल को भूमबंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अंतराल को भूमबंधन कहा गया सम्रांगण सूत्रधार में। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो टेम्परा रंग विधि जो है वो अपारदर्शी प्रभाव का होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है, एलोरा में कितनी गुफा मंदिर है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 34। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एलोरा में जो 34 गुफा मंदिर है वो किन किन धर्मों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र जो है वो अभ्रंश शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कला नाम पवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्ट प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? तो चित्रण में दृष्ट प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, आधुनिक चित्रकार निम्न में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पोत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
चौर पंचासिका के रचयिता कौन है? तो चौर पंचासिका के रचयिता है बिल्लड़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों का सबसे ज़्यादा अंकन किया गया है राजस्थानी शैली में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फारसी और भारतीय। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो मुगल शैली के पतन के बाद जो जन्म हुआ वो कहलाया कंपनी शैली। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पटना शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? इन चारों में से पटना शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सेवकराम। अगला देखते हैं, लाल नारंगी रंग योजना क्या कहलाती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एकाकी रंग योजना। अगला प्रश्न है, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बाघ की गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पाल शैली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, चैतन्य का गृह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतराल में गहराई दर्शाने का प्रदर्शित होता है, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, धुंधलापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आभानेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शिव। एलिफेंटा में शिव की मूर्तियों का निर्माण सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का मंदिर प्रथम मंदिर किसने बनवाया? तो 1031 में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर बनवाया था बिमल शाह ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? सॉरी, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवारे सुहेली। अगला देखते हैं, कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, तो कांगड़ा शैली में जो चित्रण का विषय नहीं है वो पंचतंत्र नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।